Good morning, dear student. This is class 6 and I am Ajay Singh. Today we are going to study about the types of forces. Actually, mainly two types of forces are there. One is contact force, another is non-contact force. Words nahi samajh mein aa raha. Contact force. For exerting the force, force ke pata chalne ke liye ya force ke lagne ke liye किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की. कितनी ऑब्जेक्ट की? दो ऑब्जेक्ट की. फॉर नोइंग द फोर्स और फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स वी नीड अ टू ऑब्जेक्ट. या ये कह सकते हैं फोर्स इज ऑलवेज एग्जर्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स means when two bodies are in contact with each other. जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होगी. मैंने टेबल का एग्जाम्पल दिया था. टेबल हियर आई एम ऑल्सो एक्सर्टिंग द टेबल एंड अनदर बॉय इज ऑल्सो एक्सर्टिंग द टेबल. वी बोथ आर पुशिंग द टेबल. तो क्या होगा? फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा. फोर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडीज. Okay, so what is contact force? Contact force means when the two object or two body exerting force on each other. So that time, that force is known as contact force. That time, that force is known as contact force. Now, first is tension force. Our first topic is tension force. What is tension force? Actually, this tension force. Yeah, actually this tension force is acting. You can see in your book, crane. When you push the crane, कभी देखा है crane जब किसी car को उठाती है? किसी car कहीं भी गिर गई है, accident हो गया है, तो crane से उठाया जाता है. तो उस समय जो force लगता है वो tension force पड़ता है. जब कुएं की बाल्टी, कुएं में से पानी निकालते हैं बाल्टी के, मतलब बाल्टी से कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है? When you पुली, उसको बोलते हैं पुली, ठीक है? पुली सिस्टम. जब हम पानी निकालते हैं तो वहां पर भी कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स लगता है. कार को जब हम लेके जा रहे हैं ऊपर क्रेन से, तो वहां पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट? टेंशन फोर्स लग रहा है. स्टील केबल्स, यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लगता है बच्चे? टेंशन फोर्स लगता है. जब दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है, ठीक है? जब फोर्स ऐसा लगता है किसी स्ट्रिंग के ऊपर लगता है. जब फोर्स कैसा लगता है? किसी स्ट्रिंग के द्वारा. फोर्स इज एक्टिंग विद अ स्ट्रिंग टू कैच एन हैवी ऑब्जेक्ट. किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जब फोर्स लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं. समझ में आई बात बच्चे? टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है? सो ओके, बाय द स्ट्रिंग, ठीक है? ये फोर्स किसे लगता है? बाय स्ट्रिंग. सेकेंड कौन सा है बच्चे? सेकेंड इज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स, यू नो, yesterday I took one example, spring. When I am exerting the spring from this side, here also I am exerting the spring from this side. ठीक है? तो वहाँ पर कौन सा force लग रहा है? Spring force means the force is exerted by the compressed. यहाँ पर compress करना पड़ता है. ये force क्या करता है बच्चे? Compress करता है. किसी भी object को क्या करता है? ये compress करता है, ठीक है? या expand करता है. Book में ये word है ये पता नहीं, but यहाँ पर ये फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करता है और एक्सपैंड करता है. सो दिस इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स. ओके स्टूडेंट, अनदर इज फ्रिक्शनल फोर्स. मैंने बता दिया था स्प्रिंग के केस में लगता है रिंग, जो पेन के अंदर रिंग रहती है वहां पर ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स. सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? दिस फोर्स इज एक्चुअली अपोजेस द मोशन. अपोजेस द मोशन, ये फोर्स का क्या होता है बच्चों? मोशन. ये मोशन को अपोज करता है. मैं भी खड़ी हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग, तो क्या होगा वहां पर? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करती है, ये जो फ्लोर है ये एक बॉडी है, ये जो फ्लोर है बच्चे, ये जो जमीन है ये एक बॉडी है, और मैं दूसरी बॉडी. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करती है तो कौन सा फोर्स लगता है स्टूडेंट्स? कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स. बात समझ में आ रही है? यही फ्रिक्शनल फोर्स कम ज्यादा लगता है तो हम जमीन पे गिर जाते हैं.
इसीलिए जब हम मार्बल के फ्लोर पर चलते हैं तो स्लीपर महसूस स्लिपरी महसूस होता है। स्लिपरी मतलब चिकना, वो फ्लोर चिकना होता है और वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। लेकिन जब हम किसी खुरदुरे रोड पर चलते हैं, रफ रोड में, वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी प्लेन फ्लोर की बात करूँ, लाइक मार्बल फ्लोर की, तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा तुम्हारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो कैरम का दिया है, कैरम से स्ट्राइकर, जैसे जब स्ट्राइकर यूज करते हैं, देखते हो जल्दी नहीं जाता है, थोड़ा ही दूर तक जाता है। तुम लोग क्या करते हो उस वहाँ पर पाउडर, कैरम पाउडर जो होते हैं, कैरम पाउडर थ्रो करते हो, तो क्या होता है, स्ट्राइकर मूव फास्टर, स्ट्राइकर मूव फास्टर और ईजी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो स्ट्राइकर तेजी से जाता है। अभी पाउडर नहीं था तो फ्रिक्शन ज्यादा था, तो स्ट्राइकर तेज थी। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है बेटा? दिस इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट। जैसे देखो एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे एक बुक रखी है, तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो उसका वेट हो जाएगा। डेफिनेटली उस बुक का कोई वेट होगा और उसके ऑपोजिट जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। मतलब कि ये नॉर्मल फोर्स क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, ये बैलेंस फोर्स इसको बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ये बुक अपनी जगह पर रुका हुआ है, रखा हुआ है, किसकी वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से। सॉरी, ये जो बुक अपनी जगह पर रखा हुआ है, स्टेशनरी रुका हुआ है, किसकी वजह से बच्चे, नॉर्मल फोर्स की वजह से। बात समझ में आ रही है? दैट बुक इज केप्ट स्टेबल ऑन द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल केप्ट स्टेशनरी ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट, दिस इज एक्टिंग अपोजिट टू द वेट। इस बुक का कोई वेट होगा, ठीक है, और अगर इसे मुझे रिमूव कराना है तो यहाँ पर फिर कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको अगर मूव कराना है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, अब फ्रिक्शनल फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ फोर्स इज एग्जर्टिंग नॉर्मल फोर्स, वेट के अपोजिट एक्ट होती है, ठीक है, ये बॉडी को बैलेंस करके रखती है, बॉडी को रोक के रखती है, मूव नहीं करने देती है। ये सारी ही फोर्स कब एक्ट होती है स्टूडेंट, व्हेन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कॉन्टैक्ट, यहाँ पर दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, two bodies are in contact with each other, so which type of force is acting, tension force, spring force, frictional force, normal force. So student, I thought no need to take this non-contact force because this will be a very long period. ठीक है, तो प्लीज इतना नहीं पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होगी एग्जाम्पल आ गई है, हो सकता कुछ एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए हो, सो इफ आई स्किप दैट सम एग्जाम्पल, so please read it from the book and tomorrow I am going to take non-contact course. Okay students, so please revise it well. Thank you.